अस्सलाम वालेकुम, इंस्टोन सॉल्यूशन चैनल से मैं हूँ तुहिन। तो ये सभी सोलेनोइड ऑपरेटिंग वाल्व इसका नया वीडियो लेके आपके पास चला आया। इसका पहले मैं ये सभी लेके दूसरा एक वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहिए तो देख सकते हैं। फिर उसके बारे में भी आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा, क्योंकि उसका इसका फिलोसॉफी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये एक्चुअली हमारे पास ऑटो ड्रेन वाल्व का एक ये सभी है। ये वाला बेसिकली ड्रेन लाइन पे यूज़ होता है, क्योंकि जिधर हम एयर कंप्रेसर रहेगा तो एयर कंप्रेसर में एयर रिसीवर टैंक रहता है, तो एयर रिसीवर टैंक में ड्रेन लाइन रहेगा। और ड्रेन लाइन के लिए ये एसओ भी है, क्योंकि ये एसओ भी क्या करेगा, हमारा जो एयर रिसीवर टैंक है वो टैंक में मॉइस्चर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और पानी का ड्रेन करने के लिए ये वाला एसओ भी है, क्योंकि इसमें साथ टाइमर भी है। तो चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको मैं इस वीडियो में देखा देता हूँ। तो ये है हमारा सोलेनोइड, इधर वोल्टेज आने के बाद ये एनर्जाइज होगा। देन ये है हमारा वाल्व, हमारा सोलेनोइड जिस टाइम एनर्जाइज होगा उस टाइम ये वाल्व का अंदर स्टेम है, स्टेम ऊपर का तरफ आएगा, आने के बाद ये वाल्व ओपन हो जाएगा। देन ओपन होके इधर से हमारा पानी होगा, क्या मॉइस्चर होगा, इधर से पास होगा, और ये दोनों पार्ट मिलके हमारा एसओ भी है, सोलेनोइड ऑपरेटिंग वाल्व। तो हमारा ये जो वाल्व है, वाल्व का ये जो आप इंडिकेशन देख रहे हैं, ये है हमारा इनलेट लाइन है, इधर से फ्लो इन होगा, और ये है आउटलेट लाइन, इधर से हमारा जो मॉइस्चर होगा, क्या पानी होगा, इधर से आउट होगा। और इस साइड में हमारा जो केबल का कनेक्टर है वो इधर कनेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ये वाला 240 वोल्ट का या केबल है, एसी वोल्ट का। आप इधर देख रहे हैं 230 वोल्ट एसी लिखा है। एक्चुअली हमारा जो एसओ भी है, एसओ भी 24 वोल्ट डीसी का भी हो सकता है और 230 वोल्ट एसी का भी हो सकता है। एक्चुअली ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका कौन सा टाइप का सोलेनोइड चाहिए। बट नॉर्मली छोटा लाइन के लिए 24 वोल्ट डीसी का एसओ भी, और बड़ा लाइन के लिए 230 वोल्ट एसी का एसओ भी यूज़ होता है। और इधर है हमारा टाइमर, मैं ढक्कन को ओपन किया आपको थोड़ा देखने के लिए। इधर दो टाइमर यूज़ हुआ, एक हमारा मिनट के लिए और एक हमारा सेकंड के लिए। तो इधर आप देख रहे हैं लेखा है 1 टाइम सेकेंड, और दूसरा है हमारा साइकिल टाइम मिनट। तो ये जो साइकिल टाइम मिनट है, ये एक्चुअली इधर आप मिनट देख रहे हैं, इतना मिनट हमारा एसओ भी बांध रहेगा। इधर से हम लोग जितना मिनट दे के रख दूँगा इतना एसओ भी को बांध रखेगा। और ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड जितना सेकेंड सिलेक्ट है इतना सेकेंड ये एसओ भी ओपन होगा। और इधर पे आप देख रहे हैं 1 मिनट पे सेट है, देन 5 सेकेंड पे सेट है। मीन्स हमारा 1 मिनट ये एसओ भी बांध रहेगा, देन 1 मिनट बाद में 5 सेकेंड ये एसओ भी ऑन रहेगा। तो ये 5 सेकेंड हमारा ड्रेन वाल्व ओपन रहेगा, और ये ड्रेन से पानी होगा, क्या मॉइस्चर होगा, वो इधर से बाहर आएगा। और आपका चाहिए तो आप टाइमर को टेस्टर से इधर से घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो सोलेनोइड है, इसमें पावर आने के बाद ये एनर्जाइज होगा, देन हमारा वाल्व ओपन होगा। और एक टाइप का सोलेनोइड है जिसमें बिना पावर से वो सोलेनोइड ओपन होता है, मीन जिस टाइम उसमें पावर नहीं है वो ओपन रहेगा, और कॉइल एनर्जाइज होने के बाद हमारा वो सोलेनोइड बंद रहेगा। एक्चुअली ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा, कस्टमर का कौन सा टाइप का सोलेनोइड चाहिए। और इधर जो आप एक एसओ भी देख रहे हैं, ये एसओ भी, देन इस साइड में है हमारा साउंडर का एसओ भी है, और इस साइड में है हमारा केएसबी मिल्क का एसओ भी है। ये 3 एसओ भी लेके मेरा अलग अलग वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहिए तो देख सकते हैं। फिर इसके बारे में भी आपका अच्छा से आइडिया आ जाएगा। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे के मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को जरूर ऑन कर दीजिए, तो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।